सरकारों के दावे उस समय दम तोड़ते हुए नजर आ जाते हैं जब देश में कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अभी भी ऐसी गरीबी भरी जिंदगी जी रहे होते हैं कि मानो वह जिंदगी नहीं मर मर कर कीड़ों मकोड़ों की तरह जी रहे हों। ऐसा ही देखने को मिला जिला पठानकोट के गांव खोवा में, जहां एक परिवार ऐसे ही गरीबी के चलते कीड़े मकोड़ों की जिंदगी की तरह मर मर कर जी रहा है। बता दें कि इस परिवार को किसी ना किसी तरह रहने के लिए जगह तो मिल गई पर घर की छत नहीं मिली। इस परिवार ने ईंटों को मिट्टी से पोत व ऊपर टूटी फूटी टीन की चादरें डाल रहना शुरू कर दिया। गरीब परिवार ने बताया कि जैसे ही बरसात शुरू होती है तो इनका ही रहने का एकमात्र सहारा भी घर के अंदर पानी आने से छिन जाता है। वो उन्हें किसी के घर में रहकर अपना टाइम निकालना पड़ता है। बता दें कि जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि किसी भी गरीब के घर की छत कच्ची नहीं रहेगी, पर यह सब देखकर साफ है कि इस सरकार के दावे भी दम तोड़ चुके हैं। परिवार के मेंबरों ने कहा कि वह इस संबंधी कई बार मांग कर चुके हैं कि उनकी मदद की जाए व सरकार उनके घर को पक्का बनाने के लिए फंड दे, पर अभी तक किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नाम तो डाटा की मुश्किल है। रजनी बाला मेरा नाम। हाँ जी, पिंड खोबा साडा। तो मतलब कि अं काफ़ी चिर तो किराए तो रहन दे दिहाड़ी करने अं दोनों जी। घर वाला मेरा दिहाड़ी लाता, दो बच्चे ने साढ़े, तो हूँ अं चार मरले जगह ली रिश्तेदार की मदद तो द्वारा। तो सू मतलब कि साढ़े टीना उड गई है कल परसों की, काफ़ी साढ़ा गरीबी तबके वाला घर है, तो साड़ी कृपा करके तो साड़ी कोई मदद करो। किसी प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिले तुम इस ला के? नहीं, काफ़ी अं मतलब कि गलबात की पर साड़ी चली है नहीं। हूँ की मांग करते हो तुम? मांग साड़ी यही है कि सू मतलब कि छत मिले सिर लकार नू। सरकार तो दावे कर दी थी कि कच्चे घर जो पक्के बना के देने तो क्यों नहीं बने? हाँ जी, सरकार तो दावे कर दी पी है कच्चे मकान जो पक्के बना के देने तो क्यों नहीं बने? किसी ने नहीं पूछा तुम? नहीं जी, सू किसी ने नहीं पूछा।